हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा आईटेल P55T फ़ोन है, तो आईटेल P55T फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में आप कैसे मैसेज नोट सेंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर सकते हैं और मैसेज की नोट सेंड प्रॉब्लम्स को आप कैसे ठीक कर पाएंगे अपने फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि मैसेज नोट सेंड प्रॉब्लम्स को आप कैसे ठीक कर सकते हैं और आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आप देख सकते हैं कि आइकन शो हो रहे हैं, जिसमें से आपको सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाकर अपने फ़ोन में मैसेज की नोट सेंड प्रॉब्लम्स को आप ठीक कर सकते हैं अपने फ़ोन में। सिंपली देख सकते हैं कि सेटिंग शो हो रही है, जहाँ से ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक कर देना है। जिस पे क्लिक करके मैसेज की नोट सेंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, इस पे जाना है। इस पे जाते ही आपके पास ऑप्शन आ जाएगा मैसेज आइकन्स, तो मैसेज आइकन्स पे जाना है। उस पे जाकर आपको स्टोरेज डाटा जो होता है उस पर क्लिक करना और जो भी मैसेज डाटा डिलीट कर देना, जिससे आपका जो मैसेज वगैरह है तो आपके फ़ोन में शो होने लगेगा, जिससे आप मैसेज की सेंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं अपने फ़ोन में। सिंपली देखते हैं, आपको बैक करते हुए परमिशंस पे जाना है। परमिशंस पे जाकर आपके पास ये फ़ोन परमिशन अलाउ कर देनी है, SMS परमिशंस भी अलाउ कर देनी है, और साथ में बैक करते हुए नोटिफिकेशन परमिशंस भी अलाउ कर देनी है कुछ इस तरीके से। इससे आपके मैसेज वगैरह आपके स्क्रीन पे शो होने लगेगा, इसका आप यूज़ कर सकते हैं और मैसेज वगैरह को स्क्रीन पे शो कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।